रामनगर में एक महिला ने अपने पति की बेवफाई से तंग आकर इच्छा मृत्यु की गुहार प्रशासन से लिखित रूप में लगाई है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए महिलाओं को जांच कर इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पिलखुआ तहसील की रहने वाली रिंकी वैद का है। रामनगर बांबा घेर के रहने वाले शुभम उत्तम से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद प्यार ने शादी का रूप धारण कर लिया। गाजियाबाद हिंदू महासभा में 15 फरवरी 2018 में दोनों ने शादी कर ली और अपनी शादी को संबंधित विभाग में रजिस्टर भी करवा लिया। शादी के बाद पति शुभम अपनी पत्नी रिंकी को लेकर उत्तराखंड रामनगर के पिरुमदारा में एक किराए के मकान पर रख लिया। शादी के 1.5 साल बाद रिंकी को पता चला कि शुभम उत्तम की उसकी शादी से पहले ही एक पत्नी है और बच्चा भी है, जिसके बाद वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। उसने जब इस विषय में शुभम उत्तम से पूछा तो उसने लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू कर दी और घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि वो उसे घर में रखने को तैयार नहीं है। उसने इसकी शिकायत जिलाधिकारी नैनीताल, SSP कार्यालय और रामनगर कोतवाली में की, परंतु उसे कोई न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके बाद थक हार कर पीड़ित महिला ने रामनगर तहसीलदार पूनम पंत को लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। लाइव उत्तराखंड के लिए रामनगर से चंद्रसेन कश्यप की रिपोर्ट। मैंने यहाँ के शुभम उत्तम नाम के एक लड़के से जो बम्बा घर का रहने वाला है वाल्मीकि बस्ती का, उससे शादी की थी और उसकी पहले शादी हो रखी थी और मेरी भी पहले शादी हो रखी थी। मैंने उसको बताया था और वो मैं साथ रह रहा था 1.5 साल से, वो मुझे छोड़ के चला गया और मैं इसीलिए मैं मैम के पास आई हूँ इच्छा मृत्यु के लिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इच्छा मृत्यु कर लूँगी। एक रिंकी वैद का एक ज्ञापन इनके द्वारा सौंपा गया है इच्छा मृत्यु के लिए। इनका कहना है कि इनका फरवरी 2018 में इनकी रामनगर निवासी शुभम उत्तम से शादी हुई थी। फेसबुक के माध्यम से ये संपर्क में आए थे, इनकी शादी हुई थी, शादी रजिस्टर्ड है। इनके द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है कि उनकी पहले भी उनकी शादी थी, जिसका जो तथ्य इनसे छुपाया गया और आज की डेट में जो इनके हस्बैंड हैं उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया है, तो उसी संबंध में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो इस प्रकरण में जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई अमल में लाई। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।